गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि दोनों लुटेरे बाइक से लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल पुलिस पचिंडा पुलिया के पास गश्त कर रही थी। एसपी सिटी सतपाल आंतिल ने बताया कि इस दौरान बाइक सवार दो युवक संदिग्ध हालत में घूमते नजर आए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। एसपी सिटी ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये नई मंडी पुलिस यहाँ पर पुलिया पे चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के द्वारा करीब 100 मीटर तक चेज किया गया, दोबारा से बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अथर बताया, जो कि कायस्थ बड्डा थाना किठोर जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल की मालिक के बारे में पता किया जा रहा है, ये चोरी की है या किस प्रकार की है। साथ ही साथ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे हैं, जो कि गोकशी के और नकबजनी के।